Future in hands. Hey friends, this is Vivekananda Sinha from Future in Hands. कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके सामने एक्सेल का एक मैजिकल ट्रिक कवर करने जा रहा हूं फ्रेंड्स, जो इतने सालों से आप मिस कर रहे थे. हम लोग जब एक्सेल में काम करते हैं तो काफ़ी बार ऐसे सिनेरियोज आता है जहां पर हमें किसी कंडीशन के बेसिस पे डेटा को फेच करना होता है, और उन्हें फेच करने के लिए नॉर्मली हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ करते हैं, या तो डेटा को फिल्टर करते हैं या किसी कम्प्लेक्स एरे फॉर्मूलाज के तरह से उसे सॉल्व करते हैं. नाउ इन सब जो भी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, इसमें क्या होता है कि एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और प्रॉपर वे में हम निकाल नहीं पाते जिस तरह से हमें रिक्वायरमेंट होती है. सो आज मैं आपके सामने एक मैजिकल ट्रिक कवर करूंगा जिसके बेसिस पे आप डेटा को फेच कर सकते हैं. एज एन एग्जांपल, मैंने एक एम्प्लॉय का डेटा लिया हुआ है जहाँ पर मेरे पास आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, डिजिग्नेशन है एंड स्कोर्स हैं. नाउ बेस्ड अपॉन सम कंडीशन, एग्जाम्पल के तौर पे मैं डिपार्टमेंट कॉलम लेता हूँ. मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी भी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करूँ या चाहूँ, सो उस डिपार्टमेंट के बेसिस पे मुझे डेटा को फेच कर सकते हैं या डेटा मुझे मिल सकता है. नाउ इसके लिए मैंने एक और शीट लिया है जहाँ पर मैं इसे यूज़ करूँगा. सो मेरे सामने इस तरह का एक मैंने एक फॉर्मेट ले लिया है, जो मेरे पास उस शीट में मेरे पास डेटा है उसका फॉर्मेट ले लिया है. और सिंपली मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे यहाँ पर सेल्स लिखूँ और एंटर करूँ, सो सेल्स का डेटा आ जाए जहाँ जहाँ भी डिपार्टमेंट में सेल्स आ रहा है. सो इसे करने के लिए आपके पास अभी बहुत सारे वे आउट शायद होंगे, बट वो सारे ना कम्प्लेक्स मेथड्स हैं. बट अगर आप एक्सेल 2019 वर्जन यूज़ कर रहे हैं या ऑफिस 365 का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, सो कुछ नए नए फंक्शंस आए हुए हैं. उसमें से एक फंक्शन का नाम है फिल्टर फंक्शन. वो फिल्टर फंक्शन क्या करता है, किसी कंडीशन के बेसिस पर आप डेटा को फेच कर सकते हैं, एंड इट्स रियली अ मैजिकल फंक्शन. सो देखते हैं फ्रेंड्स. सो व्हाट आई विल डू, मैं फर्स्ट कॉलम में आईडी में मैं लिखूंगा इक्वल्स टू फिल्टर लिखा. नाउ इट्स आस्किंग फॉर एन एरे. एरे का मतलब हो गया आपका सोर्स डेटा. सो मैं एम्प्लॉय में जाऊंगा और मैं यहां से लेके ये पूरा डेटा को सिलेक्ट कर दूंगा, और फिक्स करने की जरूरत नहीं है. ये एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है जहां पर आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ. नाउ अब आते हैं मेरा ये फर्स्ट मेरा पैरामीटर खत्म हो गया. सेकंड आता है इंक्लूड. इंक्लूड का मतलब है कि मुझे क्या कंडीशन चेक करना है. सो मैं क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा दिस कॉलम, मतलब ये आपका डिपार्टमेंट का कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगा, विच शुड बी इक्वल्स टू, मैं सर्च वाले शीट पे जाता हूं, दिस सेल, मतलब ये सेल आपका होना चाहिए. सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड देन एंटर. देखा फ्रेंड्स, दिस इज अ मैजिकल फंक्शन. अब यहां पर क्या है कि आपको और किसी जगह पे फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी. सिर्फ यहां पर आप लिखोगे तो यहां पर आप देख रहे हो ब्लैक कलर में आ रहा है, बाकी सारे में ग्रे आउट आ रहा है. मैं यहां पर डिलीट भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इस जगह पर अगर डिलीट करूंगा तो मेरा फंक्शन खत्म हो जाएगा. ठीक है ना, लेट्स अनडू. अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, आई जस्ट राइट क्वालिटी लिख के एंटर करता हूं. सो आई एम गेटिंग द डेटा फॉर क्वालिटी. कितना भी बड़ा हो सकता है फिनेंस, कितना बड़ा छोटा हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो दिस इज मैजिकल. बट अब एक चीज देखते हैं कि लेट्स से कि मैंने कोई कुछ ऐसा लिखा जो वहां एग्जिस्ट नहीं करता है. सो आई एम गेटिंग ए सीएलसी एरर. एक ये नया एरर है 2019 में. सो इसे ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप यहां पर फंक्शन में जाओगे तो थर्ड पैरामीटर आ रहा है इफ एम्प्टी, मतलब कोई अगर डेटा नहीं मिलता है उनको. सो मैं क्या करूंगा, इफ एम्प्टी के केस में मैं डबल कोट्स कर देता हूं, या तो इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं, नो डेटा फाउंड या समथिंग लाइक दिस. नाउ एंटर. सो ये ब्लैंक आएगा. नाउ राइट सेल्स, नाउ राइट फाइनेंस. सो देखा आपने कितना छोटा सा फंक्शन है, और इस छोटे से फंक्शन ने आपने जो इतने दिन तक मेहनत किया डेटा फेच करने के लिए, उसे चुटकियों में इसे सॉल्व कर दिया. नाउ अब तो एक कंडीशन था जहां पर मैंने एक कॉलम के बेसिस पे किया है, बट लेट्स से कि मेरे पास दो कंडीशन है. मैं थर्ड सीट पे जाता हूं विच इज सर्च टू, जहां पर मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट में मैं कुछ मेंशन करूं और डिजिग्नेशन में मैं कुछ मेंशन करूं, और इन दोनों के बेसिस पे मेरा डेटा आया, मतलब डिपार्टमेंट शुड बी फाइनेंस एंड डिजिग्नेशन शुड बी मैनेजर. सो लेट्स सी कैसे करते हैं. सो आई यूज द सेम फंक्शन इक्वल्स टू फिल्टर. नाउ एरे वुड बी द सोर्स डेटा. सो मैं इस सीट में जाता हूं, यहां से लेके आई विल जस्ट सेलेक्ट द एंटायर डेटा कॉमा. नाउ स्टार्ट ब्रैकेट. ब्रैकेट इसीलिए क्योंकि मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है. सो ब्रैकेट में फर्स्ट
कंडीशन क्या होगा, डिपार्टमेंट शुड बी इक्वल्स टू दिस वन, जो हमने पहले वाले शीट पे भी किया था सर्च वन में. नाउ विल क्लोज द ब्रैकेट. तो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है. एंड एस्ट्रिक यूज करना है. ब्रैकेट स्टार्ट फॉर द सेकेंड कंडीशन. मैं इंप्लॉय में जाऊंगा. सेकेंड कंडीशन शुड बी डेजिग्नेशन इज इक्वल्स टू दिस वन. मतलब मेरा डिपार्टमेंट में फिनेंस हो, डेजिग्नेशन में मैनेजर हो, या जो भी मैं यहां पर चेंज करूंगा. ब्रैकेट क्लोज, डन. और थर्ड पैरामीटर आता है इफ एम्प्टी, जो मैंने डबल कोट्स कर दिया. ब्रैकेट क्लोज. अगर आप कोई भी एरे फॉर्मूला यूज करते हो वहां पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना होता. यहां पर कोई कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपके एरे फॉर्मूला की तरह ही खुद बन जाता है. एंटर. आपने देखा फिनेंस एंड मैनेजर. आप यहां पर कर दो सेल्स, सेल्स के मैनेजर, सेल्स के एग्जीक्यूटिव. ठीक है ना. सो दिस इज हाउ द डेटा इज. इस तरह से आप डेटा को फेच कर सकते हो और किसी भी कंडीशन के बेसिस पे आप डेटा वहां से ला सकते हो. बी इट बी वन कंडीशन, टू कंडीशन, और यहां पर मल्टीपल कंडीशंस भी डाल सकते हो इसी फॉर्मेट के बेसिस पे. सो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपने फर्स्ट और सेकंड सीट में जो भी मैंने फिल्टर का लगाया, दिस इज क्लियर टू यू. यहां पर मैंने सिंगल कंडीशंस को यूज किया था, यहां पर मल्टीपल कंडीशंस को यूज किया था. मैं थोड़ा सा मल्टीपल कंडीशन में मैंने एक एंड यूज किया है. आपने देखा यहां पर एंड यूज किया है. बट लेट्स से कि मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि मैं सेल्स का ही डेटा लूं, मुझे डेजिग्नेशन में कुछ नहीं रखना है. बट ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन आपके इस कॉलम को भी या इस सेल को भी चेक कर रहा है. उस केस में क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली चेंज एस्ट्रिक टू प्लस. प्लस का मतलब और कंडीशन चेक करेगा कि या तो सेल्स हो या तो यहां पर नल हो. तो मैंने देखा सेल्स. अब सेल्स में मैनेजर, तो ये क्या कर रहा है, या तो सेल्स का डेटा मिलेगा या तो मैनेजर का डेटा मिलेगा. इन दिस वन यहां पर सेल्स का डेटा नहीं है बट मैनेजर है. अगर मैं सेल्स को यहां से डिलीट कर देता हूं, सो आई एम गेटिंग द डेटा फॉर मैनेजर. सो आपके बेसिस पे या आप किस तरह से आप कंडीशंस को लिख सकते हो बेस्ड अपॉन योर क्राइटेरिया. ठीक है ना. या तो एंड यूज कर सकते हो या तो और यूज कर सकते हो. तो एंड के लिए एस्टिक, और के लिए प्लस. सो फ्रेंड्स, आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप, मैं आशा करता हूं आप इसे यूज करें. और अगर आपके पास पुराना वर्जन है, सो आई रिकमेंड कि आप नया वर्जन को यूज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे चीज ऐसे आए जो जहां पर आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स. इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे और भी छोटे छोटे आपके लिए वीडियोज क्रिएट करता रहूँ. थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे.